अपराध शाखा के यूनिट क्रमांक 4 ने अपने घर में हथियारों का जखीरा छुपाकर रखने वाले दो आरोपियों को घर पर छापा मार गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार यूनिट क्रमांक 4 अपराध शाखा दस्ते के अधिकारी और कर्मचारी या पुलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम के मार्गदर्शन में अवैध धंधे करने वालों की खोज में घूम रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान दस्ते के पुलिसकर्मी रमेश उमाटे को किसी ने जानकारी दी कि अजनी थाना अंतर्गत प्रतीक फुलझेले और कार्तिक शर्मा ने मिलकर कई हथियार घर में छुपा रखे हैं। इस सूचना के आधार पर अपराध शाखा के दस्ते ने ओंकार नगर चौक गजानन नगर में प्रतीक सुनील फुलझेले उम्र 21 और हावड़ा पेट प्लॉट नंबर 76 कार्तिक अशोक शर्मा उम्र 25 के घर पर छापा मारा। उन्हें हिरासत में लेकर उनके घर से लोहे की तलवार, चाकू सहित 10 हथियार जब्त किए हैं। इसमें आरोपी कार्तिक शर्मा कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ शहर में कई थानों में हत्या, डकैती, हत्या का प्रयास, जुआ अड्डा चलाने के साथ ही अन्य 7 मामले दर्ज है। वहीं आरोपी प्रतीक फुलझेले ने बताया कि उसका भाई रजत उर्फ लल्ला राजकुमार शर्मा विजय मोहड़ के हत्या में जेल में बंद है। उसने जेल में जाने के 6 महीने पहले कार्तिक शर्मा को हथियार रखने के लिए दिए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार किया है। नहीं, हमारा अभी क्रिमिनल सर्चिंग शुरू है। जैसे हमारे सीनियर्स के डायरेक्शन है उस हिसाब से कल हम हमारे जो अजनी एरिया है उसी वाऊ एरिया में हम क्रिमिनल सर्चिंग कर रहे थे। उस दौरान हमारे FBI चौगुले और ASI राका मेजर उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि प्रतीक फुलझेले के घर में कुछ अवैध रूप का शस्त्र सटा आर्म्स स्टोर किया है जिसका वो गलत यूज़ करने वाले हैं। उस इन्फॉर्मेशन की हमने रेकी किया। रेकी के बाद में कन्फर्म हो गया कि ये जो आरोपी नंबर 1 है प्रतीक फुलझेले, उसके यहाँ पर आर्म कुछ सोर्ड्स और कुछ नाइफ और कुछ और वेपन्स, ऐसा अवैध शस्त्र साटा उसके घर में रखा है। उस हिसाब से उसका जो साथ में रहने वाला जो 21 नंबर 2 है कार्तिक अशोक शर्मा, तो ये जो है इसका जो चचेरा भाई है रजत शर्मा, ये रजत शर्मा ने उसके पास में ये सब रखा है और किस इंटेंशन से रखा है ये अभी प्राथमिक तपास में क्लियर होने का है। और हमको जैसी जानकारी मिली हिसाब से हमने वहाँ पर रेड किया। रेड में ये पूरा जो साटा है, ये शस्त्र साटा पूरा जब्त किया, आरोपी को लाया, आरोपी को हमने अरेस्ट किया। शस्त्र साटा और ये एक्यूज़, ये दोनों को भी हमने अगले कार्रवाई के लिए अजनी को अन्य तरफ हैंड ओवर किया है। उसमें क्लियर किया है कि इन्होंने ये जो अभी वेपन्स जो लाए हैं काय के लिए लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, और सेकंड थिंग इनका जो ये वेपन का यूज़ ये काय के लिए करने वाले थे, तो इसमें बहुत बड़ी घटना हो सकती थी जो इसमें टल गई है। तो इस हिसाब से हमने उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की है और बाकी का तपास अजनी पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।